जे किसी दे कन्ना विच सारा दिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी अते कीर्तन गूंजदा रहे तां उस दा ध्यान भटक के माड़े कम्मां विच किवें जा सकदा है। बाणी दा असर ही है कि बटाला दे नेड़ले पिंड हरदान दे नौजवान नशियां तों दूर रह के धार्मिक आयोजना विच वध चढ़ के हिस्सा लैंदे ने। हरदान पिंड विच सारा दिन लोग ही नहीं बल्कि पशु पंछी भी बाणी अते कीर्तन दी धुन मस्त होके सुनदे विखाई दे सकदे ने। इह संभव होया है इथों दे सरपंच गुरजीत सिंह दे जतना सदका। आओ सरपंच साहिब तों ही सुनदे हां कि इह विचार उहनां दे मन विच किवें आया। इह मन दे विच पंचायत बण दे नाल नाल ही साडे मन च आई भी शुरुआत आपां करना है ते सब तों आपां कोई रब दे नां तों शुरुआत करिए। तो ये मन च विचार बनी भी आपां पिंड दे दुआले और पिंड दे विच लाइव दरबार साहब की जिहड़ी गुरबाणी है वह चलाईए। तो आपां पिंड दी पंचायत और पिंड दे पतवंते सज्जणां नाल सलाह की तो सारिया ने बड़ा हथ उच्चे करे करके और जकारे छड़ के कहा भी बहुत वधिया उपराला ये शुरू करो जी। जदों सरपंच साहब दे मन दे विच ये विचार आया तो उन्होंने अपना विचार पंचायत अगे रखिया। पंचायत मैंबरां अते उत्थे मौजूद लोगों ने तुरंत जयकारे लगाने शुरू कर दिते अते इस विचार नूं प्रवानगी मिल गई। बस फिर इस ते काम शुरू हो गया ते पिंड दे गुरद्वारा साहिब विच पंचायत ने सारा सिस्टम लगा दिता। उस तों बाद श्री दरबार साहिब दी बाणी अते कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण शुरू कर दिता गया। सारे पिंड विच स्पीकरां राहीं अजिहे इंतजाम कीते गए कि श्री दरबार साहिब दी बाणी अते कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सारे पिंड विच सारा दिन गूंजदा रहिंदा है। ये तकरीबन रात नूं बंद हुंदा 24 घंटे चलदा रहिंदा। रात सिर्फ जदों रहिरास दी बाणी गुरद्वारा साहिब नितनेम हुंदा उदों बंद होना वा ते सवेरे फिर नितनेम इन्हां स्पीकरां राहीं हुंदा और स्पीकर तों जदों अरदास हुंदी अरदास तों बाद ये फिर शुरू हो जाता। नहीं जी ये पंचायत दे फंड चों सारा सरकारी ग्रांट लगी हुई है। मैं ये गल बाकी पिंडां नूं भी कहांगा कि जे तुसीं अपने पिंडां विच इहो जिहे उपराले करो ते तकरीबन पिंडां दी जिहड़ी है नुहार बदल जाएगी और नौजवान पीढ़ी जिहड़ी है वह नशियां तों मुक्त हो जाएगी। सर सानूं तां इह बहुत माण वाली गल महसूस होई है जी। साडे सरपंच साहब ने मतलब इन्ना वधिया उपराला कीता जिहड़ी कि नौजवान पीढ़ी है सारी एक गुरबाणी का शब्द सुनती है जदों बैठ के उहदे मन में कोई ना कोई इहो जिहा फुरना फुरदा कि जे बंदा गलत बन्ने भी गया होया तो वह चंगे बन्ने तुरदा तो इसलिए बहुत ही वधिया उपराला है जी। हाँ सर यही ना यही मतलब बहुत ही माण वाली गल महसूस होंगी है भी जदों सारे पिंडां तों सुनीदा कि मतलब तुहाडा पिंड एक अलग ही तरह की सोच रख के तुरदा है तो नौजवान भी सारे गांह हो के तुरते ने नाल जुड़ते हैं सारे तो इसलिए गुरबाणी चलती है बहुत ही वधिया चीज़ है जी। बहुत वधिया लगा जी गुरबाणी की आवाज़ कन्ना च पै रही है बहुत वधिया लग रहा है। ये तकरीबन सारा दिन ही चलते रहेंगे जी सवेर तो सवेरे 6 बजे तो लैके शामी 8 बजे तक। बाकी पिंड वाले यही कहने कि थोड़ा बहुत जिदा गुरबाणी का जिदा प्रचार हो इतने हो दिया इस तरह ही लागे पिंड भी हो तो वधिया लगता जी। नौजवान बहुत है जी बहुत वधिया ने जो आम पिंडा के नालों साढ़े पिंड गुरसिख नौजवान है सारे ही मतलब नशे तो रहत नहीं सब तो वड्डी गल ये है जी। अमृत वेले तो ही यह सिलसिला रोजाना शुरू हो जाता है अते रात रहरास दे पाठ तो बाद अते अरदास तो बाद विश्राम अते अगले दिन फिर सवेरे तड़क सार फिर तो बाणी शुरू हो जाती है। पिंड हरदान की पंचायत दे इस उपराले तो बाद कई होर पिंडां विच भी पंचायतां अजिहा सिस्टम अपने पिंड विच लगाउण दी कोशिश विच लगियां होईयां ने। गुरदासपुर तो लवप्रीत सिंह खुशीपुर की रिपोर्ट।